वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट की पोस्ट के रिगार्डिंग है। हाल ही में इसकी नोटिफिकेशन आई है और 923 टोटल असिस्टेंट की पोस्ट है। ये ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट है। आप भारत में कहीं के भी रहने वाले हों, आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं, डेट्स वगैरह, हर एक चीज़ को डिटेल में हम देखने वाले हैं। उसके बाद सेकंड में आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे मैं उसको क्लियर करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक कोर्स के बारे में जिसको आप यूज़ करके आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। ऑलिव बोर्ड एज नाम का एक कोर्स मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें आप सिर्फ 250 रुपये में ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आरबीआई असिस्टेंट ही नहीं, एसबीआई के एग्जामिनेशन होंगे, आपके आईबीपीएस के एग्जामिनेशन होंगे, एसएससी सीजीएल वगैरह होंगे, हर एक एग्जामिनेशन के क्लासेस उसके अंदर कवर्ड है। सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में आप चाहो तो कर सकते हो इसको। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में कोर्सेज के अंदर भी बताने वाला हूँ। तो कोर्सेज की बात हो गई, कोर्सेज के बाद मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनेशन पैटर्न कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लग सकती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जॉब प्रोफाइल कि आखिर ये नौकरी किस टाइप की है, इसकी सैलरी और इसका प्रमोशन। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिलेबस कि आखिर कौन कौन से आपके टॉपिक्स के क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ और प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में आपको पहले बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर और भी जितनी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए हम नोटिफिकेशन में सबसे पहले बात करते हैं डेट्स की। तो 23 दिसंबर 2019 से इसका पोर्टल ओपन हो चुका है और आप अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 16 जनवरी तक। 16 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके एग्जामिनेशन डेट्स की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका होगा 14th और 15th फेब को, यानी वैलेंटाइंस डे के दिन आपका एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन कब होगा? मार्च में। डेट कुछ फिक्स नहीं है, मार्च में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो ये थी हमारी डेट्स की डिटेल्स। तो हमने डेट्स की डिटेल देख ली, अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। टोटल 926 वैकेंसी है, जो कि 17 डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड है। सबसे ज़्यादा सीट्स की बात करें तो मुंबई में 419 आपकी टोटल पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी वहीं पर है। तो बेसिकली असिस्टेंट क्लर्क लेवल की रिक्रूटमेंट है, आप इसका बैंक क्लर्क से कंपैरिजन ना करें, ये उससे सुपीरियर जॉब है। इसके बारे में आपको मैं जॉब प्रोफाइल में बताने वाला हूं। बट आप ये समझ के चलिए जितने भी क्लर्क लेवल की रिक्रूटमेंट होती है वो बेसिकली स्टेट वाइज वैकेंसी होती है। उसके अंदर एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर वो डील करता है, तो वहाँ की उसकी लोकल लैंग्वेज भी उसको आनी चाहिए। तो ये स्टेट वाइज वैकेंसी है जो कि आपके 17 डिफरेंट स्टेट में डिवाइडेड है। इसके अंदर लैंग्वेज का एग्जामिनेशन भी होगा। हम इसको एग्जामिनेशन पैटर्न में डिस्कशन करेंगे कि कौन से स्टेट की कौन सी लैंग्वेज है और इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो वैकेंसी वाले पार्ट को हम यहीं पे ओवर करते हैं। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन फ़ी पे। एप्लीकेशन फ़ी आपकी 450 रुपये है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 50 रुपये फ़ीस है। तो ये हो गई हमारी वैकेंसी की डिटेल। अब हम आते हैं हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके दो डिफरेंट टाइप के क्राइटेरियाज है, एक एज का, एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। एज की बात करें तो 20 से 28 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये पहले 21 हुआ करता था, अब ये 20 हो चुका है। और इसके अंदर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल एससी एसटी को और ओबीसी को 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। इसके अंदर एक बहुत बेहतरीन चीज क्या है कि जो भी डिवोर्स्ड वुमेन है, जिनकी दोबारा शादी नहीं हुई है, उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत रिलैक्सेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका बहुत ही सिंपल है, कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को भर सकता है जिसका 50% मार्क्स से ऊपर हो। आपने बीए, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस, सीए कुछ भी किया हुआ है, 50% मार्क्स से ऊपर है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका रिजल्ट आ चुका है इस फॉर्म के लास्ट डेट तक,
वही इस फॉर्म को भर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं भर सकता। और इसके अलावा अगर आपने करस्पॉन्डेंस सेग्रेशन किया है, पत्राचार से किया हुआ है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और इसके अंदर अगर आपके 49.99% आ रहे हैं मार्क्स, तो उसको भी 50 नहीं माना जाएगा, उसको 50 से कम माना जाएगा। ऑनर्स के स्टूडेंट के मार्क्स, ऑनर्स के जो आपके सब्जेक्ट हैं एक्स्ट्रा, उसको मिला करके आपके कैलकुलेट होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके मार्क्स अलग करके कैलकुलेशन नहीं होगा। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके अंदर एक वर्ड और जोड़ा गया है, वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज। जो आपके कंप्यूटर है उसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज इसके अंदर कंपलसरी है। सुनने में बहुत भारी वर्ड है, इसका मतलब कुछ नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करना, सेव करना, उसको प्रिंट करना आता है, तो आप एलिजिबल हो। इसमें कोई सर्टिफिकेट का डिमांड नहीं है, किसी चीज़ का डिमांड नहीं है इसके अंदर। आप मान के चलिए ये कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, क्योंकि ये तो सबको आता है। और अगर नहीं भी आता तो आप अभी जाकर के इस वीडियो को बंद करिए और एक वीडियो देख लीजिए, 10 मिनट में आपको कोई भी सिखा देगा कि कैसे किसी भी फाइल को कॉपी पेस्ट करते हैं, प्रिंट करते हैं। कोई बड़ी बात ये नहीं है। तो ये हमने देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। अब हम आते हैं जॉब प्रोफाइल के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको सैलरी के बारे में बताता हूँ। इसके अंदर आप ये समझ के चलिए कि इन हैंड आपकी 36,091 यानी 36,091 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी, जो कि आपके बैंक क्लर्क के बराबर ही है। लेकिन आप इस जॉब को बैंक क्लर्क से ऊपर समझिए, बिकॉज इसके अंदर जो प्रमोशन है वो थोड़ा सा हायर लेवल पर आता है। जो इसके अंदर प्रमोशन है, फर्स्ट प्रमोशन आपका असिस्टेंट मैनेजर का है, जो कि स्केल वन ऑफिसर है। सबसे पहला ऑफिसर वही होता है जिसको आप ग्रेड ए भी कहते हैं। इसकी भी रिक्रूटमेंट होती है। इसके बाद जो प्रमोशन होता है वो बनता है मैनेजर, जिसको हम ग्रेड बी भी कहते हैं। ग्रेड ए और ग्रेड बी की भी रिक्रूटमेंट अलग से होती है, जो RBI लेता है। और ये डायरेक्ट नहीं, प्रमोशन होकर के वहां पे जा सकता है। मिनिमम 2 साल आपको एज ए क्लर्क सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रमोशन लेकर के आप ग्रेड ए ऑफिसर बन सकते हो। मिनिमम 2 साल बोला, मैक्सिमम नहीं, 5 साल, 6 साल, 7 साल भी लग सकता है। और RBI की जॉब और प्रेस्टिजियस के हिसाब से ये बैंक क्लर्क से कोई कंपैरिजन आप इसका मत करिए, ये बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर जॉब है। इसके अंदर वर्क प्रोफाइल बेसिकली प्योर क्लर्क टाइप का ही होगा। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो जैसे बैंक्स होते हैं, बैंक्स के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, जो भी उनके लोन्स होते हैं, जो RBI उनको लोन्स देती है, या फिर गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती है, उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्लर्कल ही काम करते हैं, लेकिन काम थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड का होता है। तो बैंक क्लर्क से आप इसको सुपीरियर मान के चलिए। अगर आप बैंक क्लर्क पहले से ही हैं तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप इस जॉब को भी एक बार ट्राई करके देखिए। अगर इसके अंदर हम प्रमोशन की स्ट्रेंथ की बात करें कि कहाँ तक आप पहुँच सकते हो, तो ग्रेड सी या फिर ग्रेड डी ऑफिसर तक भी जा सकते हो, यानी सीनियर मैनेजर और चीफ मैनेजर जो है वो मैक्सिमम लेवल है जहाँ तक ये असिस्टेंट पहुँच सकता है। चीफ मैनेजर मैक्सिमम पोस्ट है। तो ये होगी बात जॉब प्रोफाइल की। अब हम आते हैं कोर्स के डिटेल के ऊपर कि आखिर इस नौकरी को क्रैक करने के लिए हम कौन से कोर्स को ज्वाइन करें, या फिर कैसे क्रैक करें, कहाँ पढ़ाई करें। अभी मैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे भी आऊँगा, बट इससे पहले मैं इस पॉइंट को डिस्कशन करना चाहता हूँ। देखिए, RBI असिस्टेंट का जो आपका एग्जामिनेशन का लेवल है वो IBPS PO और IBPS क्लर्क के बीच में कहीं ठहरता है। IBPS क्लर्क को आप भूल के चलिए, क्योंकि जो एग्जामिनेशन हल्की सी लोअर साइड पे है आप उसकी तैयारी क्यों करोगे, जो हायर साइड पे आप उसी की तैयारी करके चलो। तो IBPS ही इसका एग्जामिनेशन लेता है और IBPS PO के नियर इसका एग्जामिनेशन होता है। पजल के क्वेश्चन का उतना लेवल नहीं आता जितना IBPS PO पे आता है या फिर SBI PO में आता है। इसका लेवल आपके पजल का आप क्लर्क के लेवल पे ही समझ के चलिए, बट बाकी जो पेपर है वो अप्रॉक्सीमेटली IBPS PO के लेवल पे ही आता है। तो यहां पर आपको जो ऑलिव बोर्ड का एज कोर्स है वो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वहां पे आपके टीचर्स आपको गाइड करेंगे, जो टॉपर्स हैं वो आपके साथ स्ट्रेटजीज बनाएंगे उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। और कोई बहुत ज्यादा रेट नहीं है, अगर आप 1 साल के लिए करते हो तो 250 रुपये आपके वो पर मंथ चार्ज करते हैं। तो आप डेफिनेटली उसको ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपको कुछ लॉन्ग टर्म देखने का मन है कि जिंदगी भर अगर मैं अगर फेल हो जाऊं, 4 साल 5 साल भी फेल हो जाऊं, बहुत कम आपकी उम्र है, 20 साल की हो आप अभी, 28 साल तक फॉर्म भर सकते हो, तो आप SSC ब्रह्मास्त्र को ऑप्ट कर सकते हो। ये भी ऑलिव बोर्ड का ही कोर्स है। अगर आप इसको ले लेते हो तो आपका 80% सिलेबस, बस एक पजल पार्ट को मैं छोड़ दूं तो 80% सिलेबस आपका कवर्ड है SSC का, और इसका अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, बल्कि SSC में ज्यादा मैथ्स पढ़ना है। तो 60% से 80% आपका सिलेबस सेम ही है। और इसके अलावा आपको एक बार जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चीजें पढ़ ली आपने, तो आपको कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस एग्जामिनेशन में भी। और ऑलिव बोर्ड का जो आपका SSC ब्रह्मास्त्र कोर्स है, उसके अंदर फायदा यह है कि अगर आपने फेल भी हो गए एग्जामिनेशन में, 10 बार भी फेल हो गए, 2025 में आप सोच रहे हो देने के लिए पेपर,
तभी भी आपका वो कोर्स आपके पास अवेलेबल होगा अपडेटेड सिलेबस के साथ और आप उससे पढ़ सकते होगे। तो ये कि ये बहुत अच्छी बात है, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको तुरंत एग्जामिनेशन क्रैक करना है, 5 साल 7 साल आपके बस का नहीं है, 1 साल के अंदर आपको क्रैक करना है, तो ऑलिव बोर्ड एज कोर्स आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा कोर्स है और जितने भी नए एग्जामिनेशन आएंगे ना वो भी उसके अंदर ऐड अप होते रहेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम आते हैं हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। एग्जामिनेशन पैटर्न देखिए इसके बेसिकली 3 फेज में है, फेज 1 फेज 2 फेज 3। फेज 1 यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, फेज 2 यानी मेंस एग्जामिनेशन, फेज 3 यानी आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कोई बहुत टफ चीज नहीं है। सबसे पहले प्रीलिम्स को हम देखते हैं। प्रीलिम्स में आपका इंग्लिश, रीजनिंग और आपका क्वांट, 30 क्वेश्चन इंग्लिश का और क्वांट और रीजनिंग में 35-35 क्वेश्चन, और सिमिलरली 30 मार्क्स 35-35 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। टोटल आपको मिलेगा 60 मिनट सॉल्व करने के लिए, हर सेक्शन में आपको 20-20 मिनट मिलेगा। तो टोटल क्या हो गया, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट। और ये 60 मिनट कैसे हैं, सेक्शनल है 20-20 मिनट करके। तो ये था आपके प्रीलिम्स का पैटर्न। नेगेटिव मार्किंग प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही है, कितनी है, 1/4। और इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ भी निकलेगा, हर सेक्शन का भी एक अपना कट ऑफ होगा। अब मैं आपको मेंस का पैटर्न बताता हूँ। मेंस में आपके लगभग सारे के सारे पेपर्स के अंदर 40 क्वेश्चन होंगे और वो 40 मार्क्स के होंगे, डिफरेंस बस टाइम का ही है। तो सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आपका होगा 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 30 मिनट्स। उसके बाद आपका मैथ्स और इंग्लिश में दोनों में आपके 40-40 क्वेश्चन, 40-40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 30 मिनट्स। उसके बाद आपका कंप्यूटर का पेपर होगा 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 20 मिनट। यहां पर आपको 20 मिनट मिला, ऊपर आपको 30 मिनट मिला था। उसके बाद आपका होगा जीके यानी जनरल अवेयरनेस का, जिसके अंदर होगा 40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 25 मिनट। तो आपको टोटल क्या हो गया, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और सेक्शनल टाइमिंग आपने इसके अंदर देख ही ली, इसके कोई टोटल टाइमिंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने देख लिया मेंस का पैटर्न। अब हम आते हैं थर्ड स्टेज पे, जो कि है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब इस पार्ट को सुने बिना इस फॉर्म को बिल्कुल ही मत भरना। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब यह है कि जिस स्टेट के लिए आप फॉर्म भरोगे उसका लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। इसका आखिर मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करोगे उसका लोकल लैंग्वेज आपको अगर नहीं आता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यही एक क्राइटेरिया है, इसके अंदर डोमिसाइल का कोई गेम नहीं है। आप अगर बिहार के रहने वाले हो आप केरला में अप्लाई कर सकते हो, आप केरला के रहने वाले हो आप चाहो तो यूपी में अप्लाई कर सकते हो, राजस्थान का बंदा मुंबई में अप्लाई कर सकता है, मुंबई का बंदा राजस्थान में अप्लाई कर सकता है। कोई डोमिसाइल का गेम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ के रहने वाले हो, बस लैंग्वेज आना चाहिए। लैंग्वेज यहाँ पे मैं लिस्ट आपको बताऊँ कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ऐसे स्क्रीन पे एक बार डिस्प्ले में दिखा दूंगा, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। जैसे आपका अहमदाबाद के जो लिखा हुआ है वहाँ पे आपको गुजराती भाषा आनी चाहिए, बेंगलुरु में कन्नड़ आपको आना चाहिए, पटना में आपको हिंदी या फिर मैथिली भाषा आनी चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। इसके अंदर आपको अगर उस स्टेट की वो भाषा नहीं आती होगी, अगर 3 भाषा लिखी हुई हैं तो तीनों में से कोई एक भी आता होगा तो आपका काम चल जाएगा, आपको उस भाषा में लिखना और बोलना दोनों आना चाहिए। क्या इसके लिए कोई आपका सर्टिफिकेट मांगेगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे आपका, लेकिन ये पेपर लेगा। पेपर क्या लेगा, एक एग्जामिनेशन आपका लेगा छोटा सा, जिसका कोई पैटर्न नहीं है, कोई वो बड़ी बात नहीं है, बहुत आपको बेसिक नॉलेज टेस्ट करेगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। बेसिक आपको आता है आप इजीली पास कर जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके अंदर जो आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में होगा, सबसे बड़ी बात है, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश आपका सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। तो आप इसका मतलब समझ रहे हो कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो फैक्ट बेस्ड होंगे, ना कि आपके पैराग्राफ बेस्ड, यानी आपको कोई स्टेटमेंट लिखना हो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसे कि ग्रामर के क्वेश्चन थोड़े बहुत हो गए या फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स टाइप के क्वेश्चन हो गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके वहाँ पे होंगे। तो हमने डिटेल में देख लिया लैंग्वेज के इसके अंदर फैक्टर को, कि लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर प्ले कर रहा है। अब हम आते हैं सिलेबस के अंदर। तो चलिए हम रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक है आपका सायलोजम, उसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर, स्क्वायर एंड लीनियर, ये आपका पजल का क्वेश्चन है। इसके बाद पजल एक और बार लिखा गया, यानी पजल के 2 क्वेश्चन। उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन और रैंकिंग। ये हो गया आपका रीजनिंग का। अब हम आते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट में आपका है नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, डाटा सफिशिएंसी, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स और पाइप्स एंड सस्ट्रेंस। ये आपका हो गया क्वांट का। अब हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर। उसके अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और आपका पैरा जंबल।
ठीक है, ये आपका यहाँ पे सिलेबस खत्म हो गया प्रीलिम्स का। इसके बाद मेंस के भी दो टॉपिक का मैं आपका सिलेबस बता देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर जनरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, एब्रीवेशन रिलेटेड टू कंप्यूटर नॉलेज। यहाँ पर देखा आपने कंप्यूटर का बेसिक पार्ट यहाँ पे कवर्ड है, इसीलिए वो आपको इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंपॉर्टेंस नहीं दिया। क्यों? क्योंकि टेस्ट तो वैसे ले रहा है, अगर आपको नहीं पता होगा तो वैसे फेल कर देगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ घुसाने की कोशिश नहीं की गई है। इसके बाद हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस का। देखिए जनरल अवेयरनेस में बेसिकली तीन ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहला है आपका आरबीआई से रिलेटेड जितने भी न्यूज मार्केट में चल रहे हैं, कब के, पिछले एक साल के आपको पता होने चाहिए। वैसे तो तीन साल के आपको पता होने चाहिए क्योंकि तीन साल के बाद ही रिक्रूटमेंट निकल रहा है ना, बट फिर भी एक साल के जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले एक साल के पढ़िए, टाइम बचा होगा तो और भी पढ़िएगा। तो इसके अंदर आपका न्यूज रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका हो गया। उसके बाद आपका बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमिक न्यूज, ये आपका सेकंड हो गया। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स। इसके अंदर कुछ स्टैटिक पोर्शन के भी आएगा पार्ट, मतलब थोड़ा ज्योग्राफी, थोड़ा हिस्ट्री, इस टाइप का भी थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे जरूर। उसके लिए आप लूसेंट मैंने आपको बताया है, वो पढ़ सकते हो, बुक्स के बारे में आपको आगे बताने भी वाला हूँ। बट ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी में से आएंगे। तो ये हमने देख लिया सिलेबस को डिटेल में, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हम इसके बाद बात करते हैं बुक्स का। बुक्स कौन से इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए? देखिए हर एग्जामिनेशन की तरह इसके अंदर भी मैं वही बुक रिकमेंड करने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, मैं आपको नाच के थोड़ी दिखाऊंगा। यहाँ पे बुक्स भी मैं आपको चेंज करके नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए अच्छा है ना यार, अगर एक ही बुक से 10 एग्जामिनेशन निकलता है, आप उसी बुक को 10 बार पढ़ दो। तो यहां पर मैं आपको वही बुक रिकमेंड करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की। क्वांट के लिए आपको राजेश वर्मा की फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक बुक आती है, जो कि बहुत अच्छी बुक है। इस एग्जामिनेशन में आपको ऑलमोस्ट सब कुछ कवर उसके अंदर ही हो जाएगा। ये हो गया क्वांट का। अब हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के ऊपर जो बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो है आर एस अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग। बहुत अच्छी बुक है, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं ना कि आपके कभी भी प्रैक्टिस की कमी नहीं पड़ेगी। तो आप इस बुक को इजीली परचेस करके पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है सारे बुक्स का। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर जो बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो है एसपी बख्शी। बहुत पॉपुलर बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप इजीली उसको परचेस कर सकते हो और सस्ती भी है काफ़ी। तो इस एग्जामिनेशन के लिए, इसके अलावा बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके बाद हम बात करें अगर कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की मैं आपको एक लिंक दे चुका हूं डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ, उसी से सब कुछ आएगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। इसके बाद हम बात करें जीके की। जीके के लिए क्या करें? तो न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़े हैं तो क्या करें, मैं आपको आगे आने वाले कुछ वीडियोस में बताने वाला हूं। एक दो बुक मैं आपको बताने वाला हूं जो 2019 में आपको पढ़ना जरूरी है, जिसमें एक साल का सब कुछ दिया हुआ होगा। मैं जल्दी उस वीडियो को बनाऊंगा और आपको बुक से वहां पे रिकमेंड करूंगा। बट फिलहाल मैं आपको बताऊं तो प्रतियोगिता दर्पण लास्ट 6 महीने की आप पढ़ लीजिए, प्लस बैंकिंग अवेयरनेस की आपकी बुक आती है जीके की, आप लोकल स्टोर पे जाओगे वहाँ पे आपको मिलेगा बैंकिंग अवेयरनेस की, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें दी होती हैं, लास्ट 6 महीने की आप वो परचेस करेंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे, गूगल करेंगे और करंट अफेयर्स डाउनलोड करेंगे और पढ़ेंगे। मेरा ऐप है, उसके अंदर आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलते हैं पीडीएफ, ठीक है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से भी आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलेंगे, आप उसको भी डाउनलोड करके पढ़िए। तो ये हो गए हमारे बुक्स की डिटेल। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ में हम देखते हैं सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ। तो इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ देखते हैं सबसे पहले। इंग्लिश के अंदर जो आपका एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कट ऑफ है वो है 8.05, ओबीसी के लिए आपका है 9.05 और जनरल के लिए है 11.05। इसके बाद रीजनिंग के अंदर जो आपका एससी एसटी के लिए कट ऑफ है वो है 10.05, ओबीसी के लिए 11.05 और जनरल के लिए 12.05। और यही आपका सेम कट ऑफ है जो मैं आपको रीजनिंग में बताया, आपका क्वांट का भी एग्जैक्टली सेम कट ऑफ है सेक्शनल कट ऑफ। अब हम इसके बाद देखते हैं कि आखिर स्टेट वाइज कट ऑफ कितना रहा था। तो स्टेट वाइज बात करें ओवरऑल कट ऑफ, तो अहमदाबाद का रहा था 73.75, जो कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है, और बेंगलुरु का 71.75 गया था। अगर आप मैक्सिमम बात करें तो चंडीगढ़ का आपका 81.5 कट ऑफ गया था, हैदराबाद का 81.5 कट ऑफ गया था। इसके बाद आप देख सकते हो जो मिनिमम कट ऑफ गया था वो आपका मुंबई का था 70.25। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए मैं आपको कोर्सेज रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि आप उससे पढ़ करके थोड़े तो अपने मार्क्स बूस्ट कर पाएं। तो ये देख लिया आपने कट ऑफ। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, आई होप कुछ आपके दिमाग में घुसा ही होगा। इसके अलावा और भी जॉब है, उनके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।